भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो जैसा हमने अभी अभी सुना चौथा कैंटो और इसका 25वां अध्याय, और हम लोग करेंगे श्लोक संख्या 10। इससे पहले हमने सुना कि राजा पुरंजन के माध्यम से प्राचीन परिषद को उसके जीवन का ही एक आईना दिखाया जा रहा है। ऐसा हमने डिस्कस किया कई बार, डायरेक्टली किसी को बताया जाए कि तुमने ऐसा किया तो वो एकदम से ऑफेंडेड फील करता है और मानता नहीं है, लग जाता है। इसलिए कई बार इस तरह से रेफरेंस देके कहानियों के द्वारा बताया जाता है, उसी की कहानी उसी को व्यक्ति को बताई जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा। आप राजा पुरंजन की कहानी सुनेंगे। हे राजा, प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा था जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। उसके एक मित्र था जिसका नाम अभिज्ञात यानी कि अज्ञात था। अभिज्ञात के कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता। प्रत्येक जीवात्मा पुरंजन है। अब हमारे आचार्य जो है शुरू से ही बताते रहेंगे कि ये जो नारद जी इनडायरेक्टली बता रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो ये खुलासा नारद मुनि प्राचीन परिषद को पूरी पुरंजन की कहानी सुनाने के बाद करेंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या था, और उनको खुद भी समझ में आ ही जाएगा। लेकिन प्रभुपाद यहाँ बताते रहेंगे, तो बता रहे हैं कि परवेद प्रत्येक जीवात्मा पुरंजन है, यानी कि हम और आप, हम सब पुरंजन है। इसमें लिखा है पुरम शब्द का अर्थ है शरीर के भीतर, तथा जन का अर्थ है जीवात्मा, तो शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा। तो ये हम सब के बारे में है जिन्होंने देह को धारण किया है, यानी कि इस भौतिक शरीर के, भौतिक संसार के अंदर जो हम जीव है ये उनकी बात है। अतः प्रत्येक व्यक्ति पुरंजन है। प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर का राजा माना जा सकता है। एक राजा था कहा गया इसमें, तो हम लोग भी अपने शरीर का राजा है। एटलीस्ट हम ऐसा सोचते हैं कि हम ये सारे हाथ पैर ये मेरी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही करेंगे। बट क्या वास्तव में हम इसके राजा हैं, ये एक सोचने का विषय है। क्योंकि जीवात्मा को अपने इच्छा अनुसार शरीर का भोग करने की छूट है, ऐसा वो सोचता है, अगेन कर नहीं पाता है। वह अपने शरीर को सामान्यतः इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, क्योंकि जिसे देहात्म बुद्धि प्राप्त है यानी कि जो अपने आप को शरीर मानता है, वह इंद्रियों की सेवा को ही जीवन का चरम लक्ष्य समझता है। जीव के थोड़े से टेस्ट के लिए जो आनंद आता है वो सोचता है यही तो है असली चीज। ऐसी हर इंद्री हमारी जो है उसका जो टेस्ट है उसको इसी को जीवन मान लेता है, जैसे कि एक पशु करता है। यह कर्मकांड विधि है जिसे आंतरिक ज्ञान नहीं है, जो नहीं जानता कि शरीर के भीतर एक आत्मा भी है जो इंद्रियों के आदेश का ही पालन करता है ना। उसको हम गोदास कहते हैं, राइट। गोदास गोस्वामी होता है जो इंद्रियों का स्वामी है, और गोदास है जो इंद्रियों की आज्ञा का हमेशा पूरा करता रहता है। ये कर लो या इंद्रियों का गुलाम भौतिकतावादी है। ऐसा व्यक्ति जो मात्र इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है पुरंजन कहलाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों का उपभोग अपनी सनक के अनुसार करता है। कोई उसके जीवन में कोई हायर अथॉरिटी नहीं है जो उसको बताए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपनी सनक के अनुसार सनक ही कहेंगे उसको। उसको लगता है कि वो अपनी बड़ी बुद्धिमत्ता से काम कर रहा है और वो बड़ा इंटेलिजेंट है, वास्तव में वो अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है। अतः उसे राजा भी कहा जा सकता है। एक गैर जिम्मेदार राजा अपने राजसी पद को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर इंद्रिय तृप्ति हेतु अपने कोष का दुरुपयोग करने लगता है। एक राजा जो है टैक्स कलेक्ट करता है। राजा देखिए, राजा की अपनी इनकम तो नहीं होती है ना। राजा क्या करता है, नागरिकों से टैक्स कलेक्ट करता है। किस लिए करता है, नागरिकों का भला करने के लिए। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको नागरिकों में बांटे, लेकिन वो उसको अपनी ही तृप्ति के लिए लगाने लगता है। इस प्रकार कोष का दुरुपयोग करता है। जैसे हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे कि राजा को एक सूर्य की तरह होना चाहिए, या राजा को जैसे कि वो समुद्र में से पानी कलेक्ट करता है और बादलों के माध्यम से पूरे संसार में बारिश वापस भी कर देता है, रखता नहीं अपने पास। इसी तरह से अब हम अपने शरीर की बात करें तो हमें भी शरीर मिला। हमें ये शरीर मिला किस लिए, ताकि हम इसकी चेतना की विकास कर सकें और दूसरों का भला कर सकें। लेकिन हमने इस शरीर को किस में लगा दिया, हमने शरीर को लगा दिया इसको एंजॉय करने में। और एंजॉयमेंट कुछ भी नहीं है, मन की एक स्टेट है जिसको हम एंजॉयमेंट कहते हैं। ऐसा मन सोचता है कि हाँ कितना अच्छा है, तो उसको अच्छा फील होता है। नहीं तो अच्छी से अच्छी जगह में आदमी कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये मन का खेल है सारा का सारा।
तो जब ये मनी का खेल है, इसका मतलब ये तो इल्यूजन है, इट इज नॉट अ रियल टेस्ट, और उसी में उसका पूरा जीवन निकल जाता है। रिच्छवा शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवा का अर्थ है यश। जीवात्मा अत्यंत प्राचीन काल से विख्यात है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, न जायते म्रियते वा कदाचित। जीवात्मा ना तो कभी उत्पन्न होता है ना कभी मरता है। शाश्वत यानी कि इटर्नल होने से जीवात्मा के कर्म भी इटर्नल है, शाश्वत है। यानी कि कितने जन्मों में हमने जाने जाने कितने कर्म कर दिए हैं, भले ही वे उसके विभिन्न शरीरों में संपन्न करें, अलग अलग शरीरों में हमने न जाने कितने 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 कर्म कर दिए हैं। अनहन्यते अन्य माने शरीर है, इस शरीर का विनाश हो जाने पर भी वह मरता नहीं है। इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता है और विभिन्न कर्म करता रहता है। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा न जाने कितने कार्य करता है। कभी वह वीर बनता है, यथा हिरण्यकश्यपु, कंस, या आधुनिक युग में नेपोलियन या हिटलर बनता है। ऐसे पुरुषों के कार्य सचमुच महान होते हैं, किंतु उनके शरीर का नाश होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, उनका केवल नाम रह जाता है। अतः जीवात्मा को ब्रह्मचर्य कहा जा सकता है। नाना प्रकार के कार्यों के फलस्वरूप विख्यात हो सकता है, तो भी उसके एक मित्र होता है जो वह जिसे वो नहीं जानता। भौतिकतावादी पुरुष ये नहीं जानते कि परमात्मा रूप में ईश्वर प्रत्येक पुरुष के हृदय में विद्यमान है। रूपात कह रहे हैं यहाँ पे जो मित्र का नाम लिया गया, अविज्ञात, जिसको वो नहीं जानता। तो मित्र के रूप में उसके हृदय में आसीन रहते हैं, किंतु जीवात्मा उसे नहीं जान पाता, फलस्वरूप उसे अविज्ञात सखा कहा गया, जिसका अर्थ है एक अज्ञात मित्र। अविज्ञात चेष्टिता शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवात्मा को परमात्मा के निर्देशानुसार कठिन श्रम करना पड़ता है और वह प्राकृतिक नियमों के द्वारा संचालित होता है, कंट्रोल्ड होता है, तो भी वह अपने को ईश्वर तथा प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र मानता है। यानी कि वो राजा वास्तव में राजा नहीं है, ऐसा हम डिस्कस कर रहे थे, ऐसा वो मानता है कि वो शरीर का राजा है, और कुछ लोगों का राजा है, जिन लोगों पर कंट्रोल है, प्रकृति का राजा है। वो भोग कर सकता है, वो खा सकता है, वो पी सकता है, वो सो सकता है, अपने हिसाब से जी सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, लेकिन वो प्रकृति के नियमों द्वारा बड़े कठोर तरीके से नियंत्रित होता है। इसलिए हम लोग कभी भी स्वतंत्र किसी अंग्रेजों के जाने से, मुगलों के जाने से हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि हम हमेशा ही परतंत्र हैं, सारा संसार परतंत्र है वास्तव में। यह आत्मा अटूट तथा अघुलनशील है, भगवद गीता में कहा गया, ना इसे जलाया जा सकता है ना सुखाया जा सकता है, नित्य है इत्यादि। जीवात्मा सनातन है, चूंकि इसे ना तो किसी हथियार से मारा जा सकता है इत्यादि, यानी कि जीवात्मा की इटर्निटी के बारे में बताया जा रहा है। और भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं, कि यद्यपि वह शरीर बदलता रहता है, किंतु उस पर भौतिक परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भौतिक परिस्थितियों में रहकर अपने मित्र परमात्मा के आदेश अनुसार कार्य करता रहता है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ, और मुझसे एक ज्ञान आता है, स्मृति आती है, विस्मृति भी आती है। इस प्रकार भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, और जीवात्मा जिस दिशा में जाना चाहता है उसे निर्देशित करता है। जीवात्मा को यह पता नहीं है कि इस जन्म में तथा विगत जन्मों में उसे सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करने का अवसर प्रदान करता रहा है। भगवान की स्वीकृति के बिना कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इसमें यह बताया जा रहा है कि बेसिकली भगवान जीवात्माओं की इन इच्छाओं को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये व्यवस्था इस प्रकार करी जाती है कि जीवात्माओं को अल्टीमेटली रियलाइज हो कि वो यहाँ पर सुखी नहीं रह सकता, लेकिन कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति ही है जो एक्चुअली में ये जान पाता है कि वो दुखी है। बड़ी हैरानी की बात है, जैसे कि एक शराबी है, शराबी को मालूम नहीं चलता कि कहाँ पर दर्द हो रहा है, कहाँ पर गिर पड़ा है, कहाँ क्या हो गया है, कहाँ उसने वॉमिटिंग कर दी है। वो इतना नशे में होता है कि उसको इस बात का एहसास ही नहीं रह पाता कि वो बड़ी दुखदायी स्थिति में है वास्तव में। वो जानता ही नहीं अपने को ही भूल जाता है, और इसी को वो सुख मानता है। हम लोग अपने को भूल जाने को सुख मानते हैं, है कि नहीं? अपने को ही भुलाने के लिए हर फिक्र को धुएं में उलाता चला गया, हम अपने को भुलाने को सुख मानते हैं। कितनी अजीब सी बात है। वास्तव में तो हमें अपनी चेतना में सुख आना चाहिए, लेकिन हम जब तो इसका मतलब हम बहुत ही दुखी हैं, तभी तो हम भुलाना चाह देते हैं, हर चीज़ को भुला देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन इसलिए कह रहे थे कि इसको जानने के लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए कि मैं दुखी हूँ, और ये किसी साधु के द्वारा ही बताने पे होता है। जैसे हमने एक बार आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि एक जो एक चील का अंडा गिरता है मुर्गियों के बीच में, ऊपर से चील जा रही होती, समाव वो झोंपड़ी के ऊपर अंडा देती है, और वहाँ से गिर के वो जो मुर्गियों के अंडों के बीच में गिर जाता है, और मुर्गी उसको धीरे धीरे सेक देती है, और धीरे धीरे उसका बच्चा हो जाता है। लेकिन वो मुर्गियों के बच्चों के बीच में रहते रहते
अपना स्वभाव मुर्गियों जैसा बना लेता है। अब मुर्गी ज्यादा ऊंचे उड़ते नहीं है, वो थोड़ा सा उड़ेगी, छत तक उड़ जाएगी किसी मकान के, वहां से नीचे बस, है ना। तो इस प्रकार से उसकी भी आदत वैसी हो जाती है, वो अपना स्वभाव भूल जाता है, जैसे जीवात्मा भूल जाती है, उसी की तरह खाने पीने लगता है। तब अचानक से एक दिन एक साधु वहां पे आता है, कहता है ये क्या, ये चील का बच्चा है मुर्गियों के बच्चे के बीच में क्या कर रहा है। उसको बड़ी हैरानी होती है और वो उसको उठा के उसको उड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वो उड़ता ही नहीं है। तब धीरे धीरे वो उसके लिए बड़ा प्रयत्न करता है, एक पेड़ में चढ़कर वो उसको ऊपर से नीचे फेंकता है, और चील के बच्चे को ऐसा लगता है आज वो समाप्त हो गया, लेकिन वो बचने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करता है, करते 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 वो उड़ने लगता है और एकदम से आसमान में चला जाता है। ये जो साधु पुरुष हैं, ये जानते हैं कि हमारी रियल स्थिति क्या है, हम क्या है, और ये कई बार ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमें कष्ट होता है, हमें लगता है अरे ये क्यों करने को बोल रहे हैं, नहीं नहीं इतना नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वास्तव में ये सब हर व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए तपस्या के दौर से गुजरना पड़ता है। सोने को शुद्ध करने के लिए उसको खूब चलाया जाता है, उसमें से अशुद्धि निकाली जाती है, यही प्रोसेस है। और इस प्रकार भी साधु पुरुष हमें हमसे तपस्या करवाते हैं, हमें रेगुलेट करते हैं, हमें कष्टों में डालते हैं अल्टीमेटली, ताकि हम स्वतंत्र, रियली में स्वतंत्र हो सकें, अपने नेचर को पहचाने। तो यहाँ पर पुरंजन वही है जो इस प्रकार हम लोग हैं, जो मुर्गी के बच्चों के बीच में रहते हुए ये समझ लेने लगे हैं कि ये कीड़े चुगना हमारा जीवन है, कुक 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 कुड़ाक 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 करना हमारा जीवन है, सवेरे सवेरे बाग देना हमारा जीवन, बस उनके जीवन का पर्पज यही है, खाओ पियो सो जाओ, अंडे अंडे दो अंडे, यही हमारा जीवन रह गया। हमने बहुत सारे अंडे दे दिए अलग अलग जन्मों में, उन अंडों से बड़ी अटैचमेंट है, उन अंडों को कोई छू देता है तो बड़ी दिल में तपन सी मर जाती है, चाहे वो हमारे भले के लिए हो। हम देख रहे हैं कई बार बच्चों को डांट दिया जाए तो पेरेंट्स को बड़ी हृदय में लगती है, चाहे बच्चा गलती क्यों ना कर रहा हो, कुछ खा रहा हो जो हमने मना किया है तो टोक दिया जाए तो बड़ा दिल टूटता है। बच्चा आपका यूट्यूब देख रहा है, कुछ मोबाइल में देख रहा है और कोई उसको डांट दे तो बड़ा मतलब लगता है ये तो क्या कर दिया मेरे बच्चे के साथ। साधु पुरुष का यही काम है जैसा अभी बताया था स्टोरी में, लेकिन हम लोग अपना ही नुकसान करने वाले हैं तो कोई क्या कर सकता है। इसलिए नशे से तो उतरना ही पड़ेगा कम से कम, ये जानने के लिए कि मेरे लिए सही क्या है। कई बार नशे को उतारने के लिए झापट मारा जाता है, है कि नहीं, भूत चढ़ जाता है ना दिमाग में, पागल से ज्यादा एक झापट पड़ता है तो थोड़ा सा नॉर्मल सेंस में आता है, लेकिन झापट मारने के लिए भी कला है जो कि गुरु को आती है। तो इस तरह से कष्ट को आप झेलेंगे। अभी पुरंजन के नाम पर प्राचीन परिषद के गाल पे एक तरह से कई सारे तमाचे मारे जाएंगे नारद मुनि द्वारा। राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा। पुरंजन कौन है, ध्यान रखना, एक राजा है, यानी कि हम भी हैं, जो शरीर के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगते हैं। कहाँ घर बनाएंगे, एक घर बनाएंगे तेरे घर के सामने, दुनिया सजाएंगे तेरे घर के सामने, एक घर हो, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये लोन, ये फर्नीचर, ये होम डेकोर, अनलिमिटेड दुकानें घर को सजाने के लिए। तो इस तरह का हमारा जीवन रहता है, अपने असली घर को भूलकर होटल के कमरे को सजाने लगते हैं। राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा और इस तरह में सारा संसार घूम आया, हर जगह देखाया, कहाँ रहेंगे, बहुत पैसा आ गया है, अब तो इंडिया में क्या करेंगे रह के, US में, UK में, पूरी जगह जाएंगे, कहीं बीच के किनारे में सी फेसिंग कुछ मकान बनाएंगे। तो सारा संसार घूमाया, घूमने लगा कहाँ अपना घर बनाना चाहिए, फिर भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि इच्छा अनलिमिटेड है, उसको लगता है कि यहाँ पर सी बीच तो है लेकिन यहाँ पे पहाड़ों की वादियाँ कहाँ हैं, यहाँ पहाड़ों की वादियाँ तो हैं लेकिन यहाँ पर शान और शौकत कहाँ है शहरों की, तो कई चीजें उसको दिमाग में चल रही है, तो उसको अपने अनुकूल जगह ही नहीं मिली। अंत में वो अत्यंत खिन्न और निराश हो गया। पुरंजन का भ्रमण ठीक वैसा ही था जैसे कि आज के हिप्पियों का, प्रभुपाद कह रहे हैं, समारत हिप्पी उच्च कुल के हैं, बड़े बड़े बापों की संतान है, करोड़पति अरबपति है जो हिप्पी प्रभुपाद को मिले थे उस वक्त अमेरिका में। ऐसा नहीं है कि वे सदैव निर्धन, निर्धन लोग नहीं है ये, जो इस प्रकार से बाल बढ़ा के दाढ़ी बढ़ा के पड़े हुए नशे में, वे किसी ना किसी तरह अपने धनी माता पिता को त्याग कर सारे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं। ये बड़ी इच्छा होती है, खासतौर पर जब हम बच्चे होते हैं, हमारी बड़ी इच्छा होती है, संसार में घूमेंगे, ये भी देखेंगे, वो वाली कंट्री देखेंगे, ये देखेंगे,
हम भूल जाते हैं कि ऐसा भ्रमण हम जाने जाने कितने बार कर चुके हैं। संसार भ्रमित है, कौन हो भाग्यवान जीवन कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित है, पूरे ब्रह्मांड में कितना भ्रमण ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक क्यूरियोसिटी होती है। प्रभुपाद कहते थे जीवात्मा के अंदर ये नेचुरल डिजायर होती है, क्योंकि वो जन्मों से भ्रमण करता है, इसलिए वो भ्रमण करना चाहता है। तो इस तरह से पुरंजन ने भी बहुत भ्रमण करी, और यहाँ पर ये हिप्पी जो है अपने करोड़पति माँ बाप का घर छोड़ के विश्व का भ्रमण करते रहते हैं। जैसा कि श्लोक में उल्लेख है, जीवात्मा प्रभु बनना चाहता है, प्रभु का अर्थ है स्वामी, किंतु वस्तुतः जीवात्मा स्वामी नहीं होता, वह तो ईश्वर का नित्य दास है। दास जी छुट्टी लेने चले हैं, मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए, बहुत दिन काम कर लिया तुम्हारे यहाँ पर, अब एक हफ्ते मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, थोड़ा कहीं ट्रिप मार के आऊंगा, थोड़ा मैं घूमूंगा। तो ये दास के चरित्र नहीं है, ये आजकल के नौकरी करने वाले लोगों का चरित्र है, जो वास्तव में दास थोड़ी है, वो तो सैलरी पे काम करते हैं किसी मजबूरी में। लेकिन जो सच मायने में भगवान का दास है, जैसा हम अक्सर कहते हैं, उसको कोई ब्रेक नहीं चाहता अपनी सेवाओं से, क्योंकि वही सेवाएं तो उसका जीवन है, ब्रेक लेके करेगा क्या। तो जब जीवात्मा भगवान कृष्ण की शरण त्याग कर स्वतंत्र रूप में प्रभु बनना चाहता है, तो वह सारी सृष्टि का चक्कर लगाता है, जीवन की 84 लाख योनियां, और इस सृष्टि में अरबों खरबों लोक हैं, जीवात्मा इन समस्त योनियों और विभिन्न लोकों में भ्रमण करता रहता है, और राजा पुरंजन के समान है जिसने अपने अनुकूल स्थान की खोज करने के लिए विश्व भ्रमण किया। नरोत्तम दास ठाकर कहते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, केवल कर्म कांड और ज्ञान कांड क्या है, विष के भांड है, और अमृत बलिया ये बा खाए नाना योनी सदा फिरे। जो धोखे से इस विष का अमृत, इस विष को अमृत समझकर पीता है, वह विभिन्न योनियों में घूमता रहता है। उसको लगता है थोड़ा सा पैसा आ गया, चलिए चलते हैं यहाँ पर घूम के आते हैं, इस कंट्री में घूम के आते हैं, थोड़ा पैराग्लाइडिंग कर लेते हैं, थोड़ा पहाड़ से कूद लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं। तो इसको, इस विष को अमृत समझ कर पीता है, वह विभिन्न योनियों में घूमता रहता है, और अपने शरीर के अनुसार सभी प्रकार की घृणित वस्तुएं खाता है। उदाहरणार्थ जब जीवात्मा सूकर का शरीर धारण करता है तो वह विष्टा खाता है, जब वह कौवे का रूप धारण करता है तो सभी प्रकार का मल खाता है, यहाँ तक कि पीब और मज्जा खाता है और प्रसन्न होता है। हम जो नाक छिड़क देते हैं या कुछ कर देते हैं, इस सबको खाने में उसको बड़ा आनंद आता है। जैसे हम आपको चीज बटर का टेस्ट आता होगा, उसको उसको नाक का टेस्ट आता है, उसके लिए वो डेलिकेसी है जबरदस्त। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर, इसलिए ये मत सोचिए कि हम लोग चीज खा रहे हैं और ये कितना हमारा अहोभाग्य, आज चीज सैंडविच मिले हैं, आज मेयोनीज मिली है, आज मैदे के समोसे मिले हैं, जीव जीव और केवल जीव। आप इस बात को जरा डीपली सोचिए कि कौवे के लिए नाक वाला जो नाक खाता है वो बिल्कुल सेम है, उससे उच्च हो सकता है। ऐसा हमें लग रहा है कि अरे कितनी निकृष्ट चीज खा रहा है, वास्तव में हम भी ऐसी ही निकृष्ट चीज खा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बढ़िया उत्तम चीज खा रहे हैं, तो उसी में हमारा जीवन एकदम लिप्त हो जाता है। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जीवात्मा विभिन्न शरीरों में भ्रमण करता है और कुत्सित से कुत्सित पदार्थ खाता है, और जब वह सुखी नहीं हो पाता तो खिन्न रहने लगता है और फिर हिप्पी बन जाता है। यानी कि माँ बाप के पास अनलिमिटेड पैसा था, उसके चक्कर में उन्होंने इधर घूमे उधर घूमे, मजे किए, सारी दुनिया घूम के सब कुछ खाने के बाद भी ये लोग प्रसन्न नहीं रह पाए, कितनी अजीब सी बात है, और हिप्पी बन गए। दिस इज द रियलिटी विच हैपेंड इन 1960s जब प्रभुपाद गए वहां पर, तो ये उस वक्त की स्थिति है। अतः इस श्लोक में कहा गया कि राजा को कोई भी उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया, इसका कारण है कि किसी भी योनि में रंजन को सुख नहीं मिला, कोई भी अच्छा घर नहीं मिला। हाँ, यानी कि कितने शरीर बदल लिए हमने, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं ना, ये शरीर हमने कितने बदल लिए, लेकिन कोई भी शरीर उपयुक्त नहीं मिला जिसमें आनंद आ सके। हम मनुष्य की योनि में, हम कई लोग कहते हैं कि भोग करने की योनि तो मनुष्य योनि है, लेकिन कोई ये सोचता है ना कि मनुष्य की योनि में कितनी टेंशन है। हाँ, अपने मान की अपमान की, समाज में एक स्थिति बनानी है, समाज में कुछ पोजिशन बनानी है, बच्चों को भी पालना है, इनको पढ़ाई करानी है, खुद को भी पढ़ाई करनी है, नौकरी भी करनी है, बिजनेस की इतनी टेंशन है, जानवरों को टेंशन नहीं है, फिर मनुष्य योनि कैसे भोग योनि हो गई। फिर हम जानवर की योनि में जाते हैं, जानवर की योनि में हम देखते हैं कितनी दुख है, कुत्ता खाता रहता है इधर उधर, कभी कोई एक्सीडेंट करके चला जाता है, कभी खुजली हो जाती है। इस प्रकार हर जीव के जीवन में हम देखेंगे कि बड़ा दयनीय जीवन है। जानवर कई बार डिपेंडेंट लगते हैं खाने के लिए कई चीज़ों पर, कई जानवर डिपेंडेंट नहीं भी लगते हैं, लेकिन उनकी अपनी समस्याएं रहती हैं। हर योनि के अंदर
कठिन संघर्ष है। हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि शेर जंगल का राजा माना जाता है, और जानते हैं ऐसा बता रहे थे कि शेर जो है दयनीय स्थिति से मरता है। क्यों मरता है? क्योंकि शेर को आप जानते हैं खाने के लिए किसी को बहुत मेहनत है, बहुत तेज भाग के पकड़ के लपक के फाड़ना पड़ता है, लेकिन जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है तो उसके शरीर में ये दम खत्म होने लगता है। आप क्या खाए बताइए, कैसे खाए? कुछ भी चीज मारने के लिए उसको दम तो उतना ही चाहिए, और धीरे धीरे भूख से उसके शरीर का दम और कम हो जाता है, बुढ़ापा, भूख, बुढ़ापा, भूख, और धीरे धीरे शेर कैसे मरता है? भूख से मर जाता है। तो सोचिए हर योनि में, इसलिए पुरंजन को कोई भी शरीर यानी कि कोई भी घर उपयुक्त नहीं मिला जिसको वो कह सके ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बड़ा हसीन है। क्योंकि थोड़े दिन हसीन लगता था, उसके दिन बाद वो बहुत ही दुखदायी लगता था। तो इसका कारण है कि किसी भी योनि में, किसी भी लोक में जीवात्मा सुखी नहीं रह सकता, लेकिन वो प्रयास जरूर करना चाहता है। क्या पता मैं सुखी हो जाऊं, मे बी लेट मी ट्राई। नहीं, संसार की प्रत्येक वस्तु उसके मनोनुकूल है। जैसा कि श्लोक में कहा गया, जीवात्मा स्वतंत्र होकर प्रभु बनना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है, किंतु जैसे ही इस विकार को अपने मन से निकाल देता है और ईश्वर अर्थात कृष्ण का दास बन जाता है, तुरंत सुखी हो जाता है। तो सुखी होने का तरीका अगर चाहिए तो ये है कि वो कृष्ण का दास बने। लेकिन दास फिर छुट्टी नहीं मांगता, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं नहीं रखता, मान अपमान को नहीं सोचता, वो हमेशा अपना सेवा में लगा रहता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं कि माया वशे याच भई से खाच हाबुडो भी भाई, हे जीव तुम भाया की माया की तरंगों में क्यों बहे जा रहे हो। भगवदगीता में भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हूं और उन सभी जीवों का निर्देशन करता हूं जो माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ है। जीवात्मा शरीर रूपी यंत्र द्वारा अनेक योनियों में होकर गुजरता है, कितने लोगों में जाता है। इसलिए भक्तिनो ठाकुर कह रहे हैं कि क्यों इस शारीरिक यंत्रों द्वारा इतनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों लिया। हम लोग बड़े अट्रैक्टिव जाते हैं ना गैजेट से, अलग अलग मोबाइल से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। उसी तरह से हम अलग अलग शरीरों से जो कि नथिंग बट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये शरीर क्या है देखते हैं। हमने मच्छर का शरीर देखिए कितना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, चिड़िया कितने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे जानवर अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं। हम इन शरीरों से भी, ये भी एक तरह के गैजेट्स हैं, ये हमारे असली शरीर नहीं है, ये तो गैजेट्स हैं। जैसे कि कार के अंदर बैठ के हम सोचते हैं कि हम ये कार है, बिल्कुल बढ़िया पॉश, एकदम बहुत बढ़िया लग्जूरियस कार। उसी तरह शरीर के अंदर हम सोचते हैं कि हम यही है, तो एक यंत्र है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। उनका उद्देश्य है कि कृष्ण की शरण में जाने से माया की तरंगों को पार किया जा सकता है। जो ही कृष्ण से साक्षात्कार होता है तो भगवान आदेश देते हैं कि सर्व प्रकार के धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा जो तुमने अलग अलग घरों में रह के करी है पाप। हम लोग घरों के अंदर पाप ही करते हैं जनरली, इसलिए गृहस्थ आश्रम आश्रम नहीं रह जाता। गृहस्थ आश्रम एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ चार दीवारी है, कोई देख नहीं रहा है, खिड़की बंद कर लो, खिड़की पे पर्दे लगा दो, दरवाजे बंद कर दो, अब जो इंद्रिय तृप्ति करो, कौन देख रहा है, खाने की पीने की वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जो जितने भी अपने पाप कर दिए हैं अलग अलग शरीरों में, भगवान कहते हैं मेरे को शरण, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें इन पापों से मुक्त करूंगा। लेकिन शरण का आने का मतलब है कि अब हम इस पापों को और नहीं करेंगे, जो कर दिया है उसके लिए प्रायश्चित करेंगे, भगवान के नामों के जप द्वारा अपने को शुद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार हम तुरंत ही एक शरीर से दूसरे में और एक लोक से दूसरे में विचरण करते करने की झंझट से मुक्त हो जाते हैं। ट्रैवलिंग, सारे संसार के लोग ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन उससे पूछिए जो ट्रैवलिंग का जॉब जिसको मिल जाता है। कई बार में लगता है कि पायलट की जिंदगी कितनी बढ़िया है, बच्चे बचपन से ही कहते हैं मैं पायलट बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, बचपन से ही। बताइए, कल हम परसों डिस्कस कर रहे थे कि कई लोग कहते हैं कि चलो पायलट नहीं बने तो एयर होस्टेस या एयर होस्ट ही बन जाए, इतना बढ़िया है, एक जगह से दूसरी जगह, इधर उधर, सारी कंट्री, सारी तरह का खाना। लेकिन वास्तव में जीवन उन बड़ा दुखी है। अगर एयर होस्टेस होस्टेस की बात करें तो वो तो किसी को शराब देनी है, किसी को कुछ को देना है, फिर वो थूक देगा, उसके झूठे बर्तनों को उठाना है। इट्स नो मोर देन मेड सर्वेंट इन अ एरोप्लेन, मेड सर्वेंट या मेल सर्वेंट इन अ एरोप्लेन, जो लोगों को कुछ दे रहा है, कैसे लोगों को, व्यसनी लोगों को। इससे अच्छा तो संतों की सेवा कर लीजिए, सेवा ही करनी है तो। और दूसरा है पायलट, पायलट क्या है, ड्राइवर, ड्राइवर, ड्राइवर से ज्यादा कुछ नहीं है, एरोप्लेन का ड्राइवर है।
पहले 2-4 दिन उसको अच्छा लगता हो इतने सारे बटनों को दबाने में, लेकिन वास्तव में उसके थोड़े दिनों बाद आपको अपनी गाड़ी अच्छी लगती है, थोड़े दिन उसके बाद वो नॉर्मल गाड़ी लगती है, उसको भी नॉर्मल लगता है, बल्कि एक रिस्क है हमेशा ही किस दिन आखिरी फ्लाइट ना हो जाए। इधर से उधर, उधर से उधर, ट्रेवलिंग, टाइम जोन के चेंजेस, यहाँ टाइम 4 बजाए, जहाँ पहुंचे वहां पे फिर से 4 बजाए, अब नींद तो आ चुकी है क्योंकि बॉडी का साइकिल आगे जा चुका है, लेकिन वहां पे टाइम दिन के 4 बजे हैं, चले भी 4 बजे थे, पहुंचे भी 4 बजे। अब सोचिए नींद खराब, जिसको भी आप देखेंगे, आपको अगर यकीन नहीं है तो कोई जो लोग ट्रैवलिंग जॉब पे है उनसे पर्सनली कभी मिलिए, उनसे पूछिए आर यू सेटिस्फाइड, और वो कहते हैं कि जॉब छोड़नी है। क्यों छोड़नी है? एक ही कारण है क्या? ट्रैवलिंग। और जो ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे हैं वो ट्रैवलिंग चाहते हैं। तो इस प्रकार से इस विचरण ही जो हम निरंतर भ्रमण करते हैं, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है ऐसा हमें लगता है। इसलिए कह रहे हैं कि विचरण की झंझट से मुक्त हो जाता है, भगवान की इटर्नल धाम को प्राप्त करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन है भाग्यवान जीव। कोई भ्रमण करता हुआ जीवात्मा इतना भाग्यशाली हुआ कि भक्तों की संगति मिल जाए उसको और कृष्ण भावना में ठो सके, तो वास्तव में यही उसका असली जीवन यहीं से प्रारंभ होता है। कृष्ण भावना में आंदोलन समस्त विचरण करती हुई, ट्रेवलिंग करती हुई जीवात्माओं को भगवान की शरण में ले जाने के लिए आ रहा है। उन कहते हैं आओ चलो लेट्स डू अ लास्ट ट्रेवलिंग, अ लास्ट फ्लाइट, इस एरोप्लेन में बैठिए और हम आपको भगवत धाम ले जाएंगे, उसके बाद नो मोर फ्लाइट, उसके बाद केवल भगवान की आनंदमय सेवा। इस श्लोक के विमना एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वर्ग का राजा इंद्र भी चिंता से पूर्ण रहता है, ब्रह्मा भी चिंतित हैं, वहां इस लोक के सामान्य प्राणियों का क्या कहना। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक लोक तक सारे दुखी हैं, ये दुख का आगार है जहां बार बार जन्म और मृत्यु है। इस जगत में जीवात्मा कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, तो पुरंजन कैसे रह सकता है, यहां तक कि ब्रह्मा इंद्र इत्यादि। आगे राजा पुरंजन की इंद्रिय भोग की लालसाएं असीम थी। वो जो राजा था उसकी इंद्रिय भोग की या प्राचीन बरीशत की इंद्रिय तृप्ति की लीलाएं असीम थी, या हमारी इंद्रिय तृप्ति की लीलाएं असीम थी। अतः वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने के लिए भ्रमण करता था जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ऐसा जगह कहां मिलेगी जब भगवान कह रहे हैं ऐसी जगह है ही नहीं, मैंने बनाया नहीं है। आप कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसी मशीन है, क्या ये मशीन ऐसा काम कर सकती है कि मुझे पीछे ले जाए, क्या कार ऐसी है मुझे टाइम में पीछे ले जाए, टाइम जोन में, क्या ये कार ऐसी बनाई है टाइम जोन में मुझे आगे ले जाए। अब कार बनाने वाला कह रहा है जी मैंने तो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम बनाया है, मैंने वो गैस बनाई है जो एकदम से आपको एक्सीडेंट से बचा सके, मैंने एंटी स्किड बनाया है, सीट ऊपर नीचे कर दूंगा, लेकिन आप क्या मांग रहे हो, ये तो मैंने बनाया नहीं है, मेरी कैपेसिटी बाहर है। मर्सिडीज वाला, ऑडी वाला, जैगवार वाला कह रहा है जी ये नहीं कर सकता, जैगवार वाला कह रहा है जी आपको फ्रिज दे दूंगा मैं कार के अंदर, अच्छा सा सीट दे दूंगा जो आपका बेड बन जाए सोने के लिए, आपको चलो बाथरूम भी दे देता हूँ कार के अंदर और बोलो, लेकिन आप तो ज्यादा ही मांग रहे हो। इसलिए हमारी जो इच्छाएं हैं वो यहां पूरी नहीं हो सकती हैं। वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजना करता है जहां गम भी ना हो, आंसू ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किंतु हाय उसे सर्वत्र अभाव ही दिखा, उसकी इच्छाएं वो ढूंढ रहा था ऐसी जगह, ऑल परफेक्ट प्लेस, ऑल परफेक्ट प्लेस क्यों ढूंढ रहा है पता है आप, जीवात्मा ऐसी जगह ढूंढता क्यों है, ये बड़ा अच्छा एनालिसिस जो हमारे आचार्यों ने किया कि जीवात्मा ऐसी जगह इसलिए ढूंढता है क्योंकि जीवात्मा ऐसी जगह में रह के आया हुआ है। कोई व्यक्ति जो बहुत ही अच्छी जगह में रह के आ जाए, उसको एक साधारण जगह में भेज दिया जाए, वो रह नहीं सकता है वहां पर, राइट, क्योंकि उसने इतनी वो देखा है परफेक्शन, जहाँ पर टैप खोलते हैं तो बहुत ही बढ़िया पानी आता है, इधर से टैप खोलें तो माना जूस आता है, वहाँ पे लाइन नहीं है किसी चीज़ की। जब कोई ऐसी जगह में रह लेता है जहाँ मौसम का एक्सट्रीम मौसम नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई लाइन नहीं है, अब वो नॉर्मल जगह में रहना बड़ा मुश्किल है उसके लिए, ठीक उसी तरह से। हालांकि भौतिक दृष्टि से ऐसी जगह में भी अनेक दुख हैं जैसा हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह जीवात्मा ढूंढता क्यों है और क्यों सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि वो सीधा वैकुंठ से आया है, वो गोलोक से आया है, और वहां पर ऐसी जगह है, वो ऐसी जगह को गलती से यहाँ पर ढूंढ रहा है। जैसे राजा परीक्षित ने भगवान को अपने गर्भ के अंदर देखा, अब वही जब वो पैदा हुए तो हर जगह ढूंढने लगे, वो कहाँ मिलेंगे, हर जगह तो एक स्पेसिफिक व्यक्ति वही है न,
इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। हर जगह देखते थे क्या ये वही है, क्या ये वही है जो पेट में देखे थे। उसी तरह से जीवात्मा एक तरह से उसको पता नहीं है इस बात का, लेकिन इस उस टेस्ट को उसने ले रखा है, इसलिए उसी को उस अमरता को ढूंढता है, अमर होना चाहता है, क्योंकि वो अमर है, क्योंकि वो ऐसी जगह से आया, इसलिए ऐसी जगह ढूंढ रहा है, लेकिन गलत जगह पर ढूंढ रहा है। महान वैष्णव कवि श्रील विद्यापति का गीत है कि तातल सेकेते वारी बिंदु सम सुत मित्र मणि समाजे। यहां पर समाज, मित्रता, प्यार से युक्त इंद्रिय तृप्ति की तुलना मरुस्थल में गिरने वाली पानी की बूंद से की गई है। आप जानते हैं मरुस्थल क्या होता है, रेगिस्तान, डेजर्ट, इतना उसके सोचिए कितना पानी सूखा होता है कि वहां बालू ही बालू होती है। अब वहां पे कोई कुआं खोदे तो भी कुआं तो नहीं मिलता ही नहीं है, गहराई में जाता जाए बिल्कुल सूखा। जमीन में कई हजारों करोड़ों साल तक पानी ना जाए, मुझे लगता है तब वो जाके मरुस्थल बन जाती है। ऐसी जगह में पानी की एक बूंद डाल दी जाए तो उससे क्या, जितना सुख उसमें मिलता है उतना ही सुख इस संसार के सुख में होता है। मरुस्थल की प्यास बुझाने के लिए अनेक सागरों का जल चाहिए वास्तव में, अतः यदि उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरे तो उससे क्या लाभ। इसी प्रकार जीवात्मा परम पुरुष भगवान का अंश है, जिन्हें वेदांत सूत्र में आनंदमयो अभ्यासात कहा गया है, आनंद से पूर्ण। किंतु भगवान से अलग होकर ये सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसलिए मियोनिस में, मैदे में इसको त्यागना पड़ेगा। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि इन चीजों में सुख नहीं है वास्तव में, खाने में पीने में, बढ़िया बढ़िया पॉश, बढ़िया बढ़िया कपड़ों में, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में, बढ़िया बढ़िया घरों में, किसी बढ़िया स्थान में, भले ही अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में का भोग कर ले, फिर भी किंतु किसी भी भौतिक देह में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार पुरंजन जीवात्मा विभिन्न देहों में घूमता है, किंतु भोग के प्रयास में उसे सर्वत्र निराशा हाथ में लगती है। दूसरे शब्दों में पदार्थ से आच्छादित जीवात्मा किसी भी दशा में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं हो सकता, तड़पता रहता है, कोई मृग शिकारी द्वारा किए गए संगीतमय नाद में लीन हो जाता है। शिकारी एक संगीत बजाता है, म्यूजिकल, अच्छी सी कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजता है, और जो मृग है उस मृग को कहते हैं, मृग इस म्यूजिक से बड़ा आसक्त हो जाता है और एकदम उसमें मगन हो जाता है और सब भूल जाता है, और परिणाम होता है कि शिकारी उसे पकड़ लेता है। इसी प्रकार मछली जो है अपनी जीव के लिए इतने सारे खाने को छोड़ के जो नदी या झील में है वो एक मछुए द्वारा फेंके गए चारे को खा लेती है और उसके प्राण से हाथ धोना पड़ता है। परम बलशाली हाथी भी हथिनी के संभोग करते समय करते पकड़े जाने पर अपनी स्वतंत्रता खो देता है। प्रत्येक योनि में जीवात्मा को अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए शरीर प्राप्त होता है, किंतु एक साथ वह सारी इंद्रियों का भोग नहीं कर सकता। उसको अवसर मिलता है किंतु इंद्रिय तृप्ति के प्रयास में इतना तंग आ जाता है कि खिन्न हो जाता है अंततः और उलझता चला जाता है। आगे बोलते हैं नारद मुनि, एक बार, अब ये पुरंजन ने क्या किया, इसको घर तो मिला नहीं कहीं, मतलब कहीं पे संतुष्ट नहीं रह पाया। एक बार इस प्रकार से घूमते घूमते जगह ढूंढ रहा था कहां पे मजे करूंगा, हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारत वर्ष नामक देश में एक नगर उसने देखा जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे जो समस्त सुलक्षणों से युक्त थे। अब इसको एक जगह मिल रही है, शायद इस जगह में उसका मन लग जाएगा, यहाँ का लोन पास करा लेगा वो। तो भारतवर्ष में वो आया और उसने देखा कि एक ऐसा जगह जहां पर चारों ओर से 9 दरवाजे हैं। ओके, देखिए प्रभुपाद बीच बीच में हमें समझाते जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लंबा चलेगा ये, क्योंकि नारद मुनि इनडायरेक्टली उसको कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद हमें बताते जाएंगे। हिमालय पर्वत के दक्षिण का भाग भारतवर्ष है। जो जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है वह अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। जैसे कहते हैं कि भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म यार, लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि हम लोग सोचते हैं कि भारत भूमि में क्यों पैदा हुआ, और भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या या तो कनाडा, अमेरिका, यूके और इधर सिंगापुर, मलेशिया, बहुत बड़ी जगह है। फिजी आई थिंक ऐसी जगह पे है, आई थिंक जहाँ पे भारतीय लोकल लोगों से भी ज्यादा हुए हैं, और कौन सी जगह है, सिंगापुर है जहाँ पे तमिल भाषा में अनाउंसमेंट्स होती हैं, इतने वहाँ तमिलियन हैं। कनाडा में इतने पंजाबी हैं कि वहाँ पे पंजाबी पंजाबी दिखते हैं। मैं यूके में गया था एक जगह पे, वहाँ पे एक स्ट्रीट ही है जो पूरे पंजाबियों की स्ट्रीट है, केवल वही पर है, वहाँ पर वही दिखता है, वहाँ पहुँच जाओ तो ऐसा लगता है कि इंडिया में आ गए। तो ऐसी इतने बड़े स्केल पे लोग बाहर जाते हैं, दुबई में जाए देखिए, दुबई वाली साइड में कितने लोग जा रहे हैं,
तो लोग भाग रहे हैं बेसिकली। और हमारे शास्त्र कह रहे हैं, भारत भूमि ते हई ले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कि बड़ा ही जिस मतलब बहुत ही लकी है वो व्यक्ति जो इस भूमि पे पैदा होता है, क्योंकि वो जीवन के असली पर्पस को समझने समझ सकता है। लेकिन आज की डेट में भारत में रहते हुए भी हम कहते तो हैं, मुझे गर्व है मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। ना तो कोई हिंदुत्व की बात करता है वो, ना वो भारतीय होने का कुछ कर रहा है। वो भारतीय होते हुए भी कपड़े शपड़े, नौकरी भी दाग को, कपड़े भी वेस्टर्न, खाने पीने का तरीका भी वही, रेस्टोरेंट भी वही, हर चीज वेस्टर्न है। यानी कि क्या कहते हैं उसको, विदेशी पैकिंग और देशी शराब। तो ये भारतीय होने को नहीं कहा जा रहा, खाली भारत में पैदा होने से कुछ नहीं हो जाएगा, समझना पड़ेगा। भारत की असली धरोहर है हमारे शास्त्र, हमारी गुरु परंपरा, हमारे तीर्थ स्थान, साधु जो यहाँ मिलते हैं, यही असली चीज है। हम लोग पता क्या सोचते हैं, बाहर आजकल कई टीवी सीरियल्स आते हैं, चैनल्स आते हैं, जिसमें भारत को इनक्रेडिबल इंडिया आप सुनते हैं, पर्यटन विभाग बोलता है इनक्रेडिबल इंडिया। क्यों? जनरली कभी आप ऐसा चैनल देखोगे तो दिखाएंगे, देखो जी ये अमृतसरी नान, वहां लेके जाएंगे अमृतसर में, वहां देखिए ये चाट कहीं नहीं मिलेगी आपको, पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी ये नान। ये देखिए खाने की वैरायटी, गुजरात जाइए देखिए जो गुजरात का स्टाइल खाने का, ये साउथ इंडिया जाइए देखिए जी रवा डोसा, मसाला डोसा, मैसूर डोसा, ये उत्तपम, ये कहाँ मिलेगा। और फिर उधर चले जाइए बंगाल साइड, ये देखिए मिठाइयाँ, ऐसी मिठाइयाँ दुनिया में कहाँ मिलेंगी, ऐसी शाक दुनिया में कहाँ मिलेगी। ये जाइए जी नॉर्थ में, देखिए जी राजमा पिंडी, ये वो, ये है, दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया। ये कन्याकुमारी जहाँ पर सूर्य ढलता हुआ दिखता है, ये दार्जिलिंग जहाँ सूर्य उगता हुआ दिखता है, ये ले लद्दाख, ये डल लेक, ये इनक्रेडिबल इंडिया। दिस इज नॉट इनक्रेडिबल इंडिया, ये नहीं है इनक्रेडिबल इंडिया। तो इस प्रकार जो भारत भूमि में जन्म लेता है उसे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। इन सुविधाओं का उपयोग भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए करके अपना जीवन को सार्थक बना सकता है। ध्यान रखिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि भारत में वो सारी सुविधाएं हो जो विदेशों में है। क्यों? क्योंकि सुविधाओं ही सही से वो समस्या है। इसलिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, यहाँ जीवन में वो सब मिलेगा जो अध्यात्म को बढ़ाने के लिए। जीवन उद्देश्य प्राप्त करके मनुष्य अपने ज्ञान को मानव हित में सारे संसार में वितरित कर सकता है, जैसा प्रभुपाद ने किया। दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य अपने पूर्व पुण्यों के कारण भारतवर्ष में जन्म लेता है उसे इस मनुष्य जीवन को विकसित करने की पूरी सुविधा मिलती है। लेकिन क्या करें, यहाँ पर पोल्यूशन भी है, यहाँ पर लाइन भी है हर चीज की, यहाँ पर करप्शन भी है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि भारतवर्ष की जलवायु ऐसी कि इसमें कोई भी इससे शांतिपूर्वक जीवन बिता सकता है। लेकिन हमें अगर जीवन में आदत ही पड़ जाए एसी में रहने की, ठंड में रहने की, तो फिर कैसे हुआ? ये तो हमने आदत डाल ली है। निसंदेह महाराज युधिष्ठिर तथा भगवान रामचंद्र जी के काल में लोग समस्त चिंताओं से मुक्त थे, ना तो अधिक शीत थी ना गर्मी थी, इन तीनों प्रकार के ताप का अभाव था। कि इस समय अन्य देशों की तुलना में भारत कृत्रिमतः विक्षुब्ध है, नीचे गिर गया है भौतिकता के रूप में। इन सब भौतिक हलचलों के बावजूद इस देश की संस्कृति ऐसी है कि मनुष्य सरलता से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो जीवन का चरम लक्ष्य है। इस तरह भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए मनुष्य को पूर्व जन्म में पुण्य कर्म करने होते हैं। कल हमने सुना था गीता में 6.41-42 जिसमें भगवान कहते हैं कि जिसने भक्ति के प्रोसेस में स्टार्टिंग करी वो अगले जन्म में किसी शालीन घर में पैदा हो सकता है, कुलीन घर में, नहीं तो किसी अमीर घर में। और अगले श्लोक में बताते हैं यदि उसने बहुत मेहनत करी थी तो वो किसी ब्राह्मण किसी वैष्णव के यहाँ पैदा होता है। हाँ, तो वैष्णव के यहाँ पैदा होना, जनरली वैष्णव बहुत अमीर नहीं होते हैं जनरली, लेकिन पहली स्टेज में आदमी अमीर के यहाँ पैदा होगा किसी कुलीन के यहाँ। लेकिन असली में यदि उसने बहुत भक्ति करी होगी तो वैष्णव के यहाँ पैदा होगा, हो सकता है वहां धन का अभाव हो। इसलिए भौतिक चीजों का अभाव जो है वास्तविक अभाव नहीं है। वास्तविक भाव क्या है? कृष्ण भावनामृत का भाव। श्लोक का लक्षित लक्षणम शब्द सूचित करता है कि भारतवर्ष में शरीर धारण करना अत्यंत शुभ है। वैदिक संस्कृति ज्ञानमय है और इस देश में जन्म लेने वाला मनुष्य यहाँ के वैदिक ज्ञान तथा सांस्कृतिक पद्धति का, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, लाभ उठा सकता है। आज भी बहुत से ऐसे देश हमारे देश में आए हैं जहाँ मनुष्यों को भौतिक सुविधाएं हैं किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमें सर्वत्र या तो सुविधाओं का अभाव मिलता है या एकांगी सुविधाएं मिलती हैं। अंधा चल सकता है,
किंतु देख नहीं सकता, लंगड़ा चल सकता है किंतु देख नहीं सकता। अंध लंगम लंगु न्याय, अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस प्रकार वे सहयोग से काम कर लेते हैं, किंतु अलग अलग वे देखने या चलने का काम नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह मनुष्य देह आध्यात्मिक जीवन एवं भौतिक सुविधाओं को व्यवस्थित रखने के लिए प्राप्त हुई, यानी कि भौतिक सुविधाओं को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि हमारी आध्यात्मिक चेतना बढ़े। पाश्चात्य देशों में तो वेदेश विशेष रूप से भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु किसी को आध्यात्मिक उन्नति का ज्ञान ही नहीं है। अनेक लोग आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे दीवाने हैं, किंतु उनके बीच में ठग आ गए, उन्हें उल्लू बना रहे हैं विदेशों में। कई सारे भारतीय योग बता रहे हैं उनको, और क्या बता रहे हैं, योग से संभोग तक। वो बता रहे हैं आइए कैसे योग कीजिए, देखिए सांसों को कंट्रोल कीजिए, आपको अनलिमिटेड कंट्रोल आएगा, इससे यू कैन इंक्रीज योर सेक्स पावर और पाचन शक्ति बढ़ाइए, आइए योग कीजिए। तो कई सारे उल्लू लोग आ गए हैं। सौभाग्यवश कृष्ण भावनामृत आंदोलन भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। क्या चाहिए आपको आध्यात्मिक भौतिक, आपको प्रसाद चाहिए, खाना चाहिए, बहुत कोई कमी नहीं है प्रसाद की इस्कॉन के अंदर, भक्तों के घरों में। पाश्चात्य देशों को के लोगों को चाहिए कि इस आंदोलन का लाभ उठाएं। भारत के गांव जो आज भी औद्योगिक शहरों से अछूते हैं, रहने के योग्य हैं। देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं, भारत के ऐसे गांव जो औद्योगिक शहरों से अछूते हैं, रहने के योग्य हैं, जहां कोई चाहे कि जिस अवस्था में रहकर आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। यानी कि रहने के लिए आपको बहुत ज्यादा सिटीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग सिटीज को छोड़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमें सड़क से नीचे उतरना है, तो हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें सारा सामान दे दे, कैचअप की बोतल पकड़ा दे, क्योंकि टमाटर की चटनी बनाने में टाइम लगता है, तो कैचअप की बोतल खाली जाए, गाय का दूध से दही और उससे मक्खन और उससे घी और बटर बनाने में टाइम लगता है तो अमूल बटर खाइए, है ना। तो आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ सामने जाए तो वहाँ केक मिल जाए, उधर जाए तो ये मिल जाए, ब्यूटी पार्लर मिल जाए, उधर सैलून मिल जाए, उधर हेयर ड्रेसर या उसके बाद में कपड़ों वाली दुकान मिल जाए। तो इस तरह से ये इतनी सुविधाएं, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है एक्चुअली, इससे हम और समय मिल रहा है जिसमें हम और ज्यादा इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। तो नगर कहा गया है, ये नौ द्वार हैं, दो नेत्र दो कान दो नथुने एक मुंह उपस्थ तथा गुदा, ठीक है। अब ये नौ द्वार, पुरंजन पहुंचा था ना ऐसी जगह में जहां नौ द्वार थे, तो बता रहे हैं कि ये जो नौ द्वार हैं ये कौन से हैं, दो नेत्र दो कान नथुने मुंह उपस्थ और गुदा। जब नवो द्वार स्वच्छ रहे और ठीक से कार्य करें तो समझना चाहिए कि शरीर स्वस्थ है। भारतवर्ष में ग्रामीण द्वारा ये द्वार, ग्रामीणों द्वारा ये द्वार स्वच्छ रखे जाते हैं क्योंकि वे प्रातःकाल जल्दी उठ के नदी या कुएं में स्नान करते हैं, मंदिर में मंगल आरती करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन की प्रत्येक सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। हम पाश्चात्य देशों में अपने संघ के विभिन्न केंद्रों में इस पद्धति को क्रमशः प्रचारित कर रहे हैं, प्रभात कर रहे हैं, जहाँ इस तरह की जीवन शैली बनाई जा रही है, इवन शहरों में भी। इस समय भारतवर्ष की तुलना लंगड़े व्यक्ति से की जा सकती है क्योंकि वो देख तो सकता है लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है, और पाश्चात्य जगत के पास बहुत सारे संसाधन है लेकिन देख नहीं सकता है, विजन नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इसलिए यदि दोनों को मिला दिया जाए तो विगत 2000 वर्षों से भारतवर्ष विदेशी शासकों के अंदर था जिससे वो लंगड़ा हो गया। पाश्चात्य देशों में ऐश्वर्य चमक दमक बढ़ गई। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भारतवर्ष के लंगड़े व्यक्ति तथा पाश्चात्य देश के अंधे व्यक्ति को मिल जाना चाहिए, जैसा कि प्रभुपाद ने करके दिखाया। भारत का लंगड़ा मनुष्य पाश्चात्य देश के अंधेवासी की सहायता से चल सकता है और पाश्चात्य देश का अंधा भारत के लंगड़े की सहायता से चल सकता, देख सकता है। इसी तरह से भारतवर्ष में भी देखिए, भारतवर्ष में कई लोगों के पास बहुत पैसा होगा, कईयों के पास ज्ञान होगा, ये दोनों अगर मिल जाए तो इसका प्रचार कितने बढ़िया तरीके से किया सकता है। संक्षेप में, पाश्चात्य देशों की भौतिक उन्नति तथा भारत की आध्यात्मिक नीति को समस्त मानव समाज की उन्नति के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। हमें अपने धन को बोले खुले हाथ से बांटना चाहिए क्योंकि धन कृष्ण का ही है। जिस पर ज्ञान है वो ज्ञान ले, ज्ञान से इस धन को एकत्रित करे, सब लोग एक साथ मिले, अंधे लंगड़े, और अल्टीमेटली एक सुदृढ़ संसार की निर्माण करें जहाँ पे हर कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है, कर रहा है, और धीरे धीरे इस जेल से निकल के भगवान के धाम में जाता है जो हमारा असली घर है। तो यहाँ पे बताया गया कि पुरंजन किस प्रकार एक जगह पे आ गया फाइनली भारतवर्ष में, जहाँ पे उसने नौ द्वार देखे। प्रभुपाद ने बताया नौ द्वार क्या है, ये शरीर के अलग अलग छिद्र है, ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।